अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मियां तलहा नेटवर्क एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे MIUI 13.5 के बारे में। जी हाँ, MIUI 13.5 जो है वो अब बहुत जल्द आने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेज जो हैं वो ऐड की गई हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज को ये अपडेट मिलेगी और ये अपडेट कब रोल आउट होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और हमें इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा शोमी का फेसबुक का और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शोमी ने जो है वो रिसेंटली जो है काफ़ी सारी डिवाइसेस के लिए जो है MIUI 13 ऑलरेडी रोल आउट कर दिया है और अब जो है शोमी जो है वो बहुत जल्द MIUI 13.5 जो है वो रोल आउट करने जा रहा है। और आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं MIUI 13.5 में कौन कौन सी डिवाइसेज हैं और ये कब रोल आउट होगा, तो मैं आपको वीडियो में भी क्लियर कर दूंगा। MIUI 13 जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अब MIUI 13 के बाद अब MIUI 13.5 जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो सिर्फ एंड्रॉयड 12 डिवाइसेस को ही मिलेगा। तो एंड्रॉयड 12 पर जो डिवाइसेज जो हैं वो अब अपडेट हो जाएंगी, उनको नेक्स्ट MIUI 13.5 की अपडेट मिलेगी और एंड्रॉयड 11 वाले डिवाइसेज को MIUI 13.5 देखने को नहीं मिलेगा। और ये अपडेट जो है वो आपको मैं डिवाइसेज दिखा देता हूँ, ये अभी अनऑफिशियल डिवाइस है। शोमी जो है वो काफ़ी सारी डिवाइसेज जो है वो बाद में ऐड कर देता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती कि इसको अपडेट मिलेगी। शोमी वो डिवाइस लिस्ट में ऐड बाद में कर देता है। तो अभी जो है जो लिस्ट सामने देखने को मिल रही है उसमें जो MI की आपके सामने डिवाइसेज हैं वो शोमी 12 सीरीज है, शोमी 11 सीरीज है और शोमी की जो है वो MI 10 सीरीज की डिवाइसेज एंड है। और रेडमी के बारे में बात करें तो रेडमी नोट 11 सीरीज है, नोट 10 सीरीज है, रेडमी नोट 9 प्रो 5G है, उसके अलावा रेडमी K50, K40, K30 सीरीज भी है और रेडमी 10A भी है, क्योंकि ये भी जो है वो एंड्रॉइड 12 पर अपडेट हो चुका है रेडमी 10 भी, और उसके अलावा नोट 10 सीरीज भी इसमें ऐड की गई है। और अगर पोको की सीरीज़ के बारे में बात करें तो पोको की जो है वो पोको M4 सीरीज है और उसके अलावा पोको X3 प्रो है, पोको X3 GT है, पोको F3 और पोको F3 GT है। तो ये डिवाइसेज की लिस्ट हैं जो MIUI 13 की जो है अपडेट, MIUI 13.5 की जो अपडेट जिन डिवाइसेज को मिलेगी वो लिस्ट आपके सामने ये है, क्योंकि ये डिवाइसेज जो है इनको MIUI 13 जो है एंड्रॉयड 12 के साथ ऑलरेडी दे दिया गया था और बहुत सारी डिवाइसेज जो है अब MIUI 13 एंड्रॉयड 12 पर वर्क कर रही हैं, तो इनको जो है वो श्योरली जो है 100% जो है MIUI 13.5 की अपडेट दे दी जाएगी। और जो डिवाइसेज को अपडेट नहीं मिलेगी वो एंड्रॉयड 11 की होंगी और एंड्रॉयड 12 की शोमी की ओल्ड डिवाइसेज होंगी। हो सकता है कि शोमी जो है वो बाद में वो डिवाइसेज जो हैं वो लिस्ट में ऐड कर दे, उनको एंड्रॉयड 12 की अपडेट दे दे और बाद में MIUI 13.5 उन्हीं डिवाइसेज को एंड्रॉयड 12 के साथ शायद देखने को मिल जाए। लेकिन अभी जो है जो लिस्ट जो अभी सामने आ रही है अनऑफिशियल लिस्ट वो आपके सामने है, इस वेबसाइट का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें अभी क्या क्या न्यू देखने को मिलेगा MIUI 13.5 में, इसके अभी कोई भी फीचर लीक नहीं हुआ, कोई भी फीचर जो है अभी देखने को नहीं मिल रहा कि क्या इसमें आपको न्यू देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो अगर हम रोल आउट रिलीज डेट की बात करें तो शोमी हमेशा जो है अपनी बिग अपडेट्स या तो अगस्त में देता है या फिर जो है दिसंबर में जाकर देता है। तो अभी जो है MIUI 13 जो है वो अभी मुकम्मल तौर पर रोल आउट नहीं किया गया, एंड्रॉयड 12 के साथ बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिनको अभी बीटा फॉर्म की सूरत में अपडेट मिल रही है, उनको अभी ऑफिशियल जो है स्टेबल अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद जो है शोमी जो है MIUI 13.5 को बीटा अपडेट की सूरत में डिवाइसेज को देना स्टार्ट करेगा। तो अभी जो हम डेट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि दिसंबर में जो है ये अपडेट आएगी, हो सकता है ये अगस्त में आ जाए। लेकिन अभी जो है MIUI 13 को स्टेबल करते करते, एंड्रॉयड 12 को स्टेबल करते करते 5 से 6 माह गुजर जाएंगे, तो अब ये अपडेट जो है अगर हम उम्मीद रखें तो ये अपडेट जो है दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी, दिसंबर से पहले ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी जो है ये अनऑफिशियल डेट है, हो सकता है कि शोमी ये अपडेट जो है वो आपको अगस्त में दे दे, उससे पहले तो नहीं देगा लेकिन अगस्त के बाद किसी भी मंथ में दे सकता है। लेकिन दिसंबर जो है यो वो उम्मीद रखी जा सकती है कि दिसंबर तक जो है ये मुकम्मल रोल आउट कर दिया जाएगा और डिवाइसेज को ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। जो भी आपके सामने लिस्ट है, इस लिस्ट में जो डिवाइसेज हैं इनको ये अपडेट आहिस्ता आहिस्ता बीटा फॉर्म की सूरत में देखने को मिल जाएगी। और जब ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट होगी और इसकी जो फीचर्स वगैरह सामने आएंगे और इसकी जो ऑफिशियल डेट ऑफिशियल लिस्ट आएगी, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा इसके बारे में, इसके फीचर्स और ऑफिशियल डेट के बारे में। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारा शोमी का फेसबुक का और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें लाजमी फॉलो करें, सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी कि MIUI 13.5
5.5 में आपको जो है वो कब रोल आउट किया जाएगा, अनऑफिशियल डेट और उसके अलावा अनऑफिशियल डिवाइसेस लिस्ट भी जो है वो मैंने आपको दिखा दी कि इसमें कौन कौन से डिवाइसेज जो है MIUI 13.5 की अपडेट को सपोर्ट करती हैं। MIUI 13 में काफ़ी सारे बग्स थे जो अभी बीटा फॉर्म की सूरत में है, इसलिए बहुत सारे बग्स जो है वो एंड्रॉइड 12 और MIUI 13 में देखने को आपको मिल रहे हैं, लेकिन जो है कंपनी इसको स्टेबल कर देगी और आपको एक स्टेबल फॉर्म के शुरू में एंड्रॉइड 12 MIUI 13 देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है MIUI 13.5 की अपडेट आएगी, जो उम्मीद है कि कंपनी ने जो है वो अभी बहुत सारे यूज़र जो हैं वो बग्स वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे MIUI 13.5 जो है वो फुल बग्स फ्री होगी और आपको बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिलेगी MIUI 13.5, हम ये उम्मीद रख सकते हैं Xiaomi से। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।